अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, अब जो मैं आपको जो है वो दिखाने लगा, मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इसका नाम मस्जिद खीफ नाम है इसका, जो कि कहते हैं कि यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नमाज़ अदा की हुई है। और इसका ही मीनार आप देखें, मीनार गोल है इसका, ठीक है। तो पहले मैंने आपको ज़्यारत में बताया था, किसी मस्जिद की ज़्यारत में, कि आप जो है वो जिस मीनार को देखेंगे अगर वो गोल है, तो इस मीन के वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नमाज़ कायम की है। इस मस्जिद के बारे में यह कि यहाँ पे कहते हैं कि 70 जो है वो जो शहदा हैं, यानी कि सहाबा कराम हैं, जिन्होंने यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो नमाज़ अदा की हुई है। और कुछ कहते हैं यहाँ इसके जो मस्जिद की जो खूबी है कि यहाँ पे 70 जो शहदा कराम हैं, यानी कि जो सहाबा कराम हैं, उनकी यहाँ पर तदफीन भी हुई है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है। तो इसका नाम है जी मस्जिद खीफ, ठीक है जी। और यही है कि जब आप लोग इंशाल्लाह उम्रा करके आएँ तो ये मस्जिद लाजमी देखें। ये वही अराफात से जो है मुदाफात में हम जो गए थे पीछे, जो हमने मस्जिद एक और आपको दिखाई थी, और उससे आगे आए थे जाएँ तो ये आगे एक और मस्जिद आ जाएगी मस्जिद खीफ के नाम से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये मस्जिद है, मस्जिद खीफ जो है माशाल्लाह काफ़ी जो है वो कबीर मस्जिद है, बहुत ही माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है। ये देखें, ये आगे मैं जा रहा हूँ जी, मैं आपको इसका बोर्ड दिखा देता हूँ, मस्जिद अल खीफ। ये एंट्रेंस है यहाँ से, और एक दरवाज़ा मैंने आपको जो लास्ट वीडियो पहले जो पार्ट वन में मैंने दिखाई है, तो उसमें आप देख सकते हैं उसमें एक दरवाज़ा था। ये अजीब मस्जिद खीफ, ठीक है।